इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला तो आ गया। अब सवाल यह है कि एएसआई सर्वे कब होगा शुरू। हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोशन, एएसआई कब सर्वे की शुरुआत करेंगे आप? जी देखिए, अभी जो यहाँ की स्थिति है, देख सकते हैं कि बनारस से जो साधु संत महात्मा है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के इस गेट नंबर 4 पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। और ठीक पीछे इस गेट नंबर 4 की दीवार के ठीक पीछे देख सकते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद भी है। तुरंत ही बनारस से अपने वाहन से आते हुए मंदिर के और बकायदे यहाँ पर जिस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं उससे लग रहा है कि आज ही हो सकता है ये, कि अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ये हो सकता है कि अभी आज ही से ज्ञानवापी का जो सर्वे है एसआई सर्वे वो चील एरिया को छोड़कर शुरू हो सकता है। हमारे साथ बनारस के तमाम साधु संत यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज के इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं। लोअर कोर्ट के उस ऑर्डर को अलाउ कर दिया हाई कोर्ट ने, कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं आज ये जो आदेश है और हिंदू पक्ष में आया है, ये बहुत उत्तम फैसला है। हाई कोर्ट यथार्थ और निर्णय करते हैं, इसलिए आज एसआई के सर्वे के लिए जो आदेश दिए, आदेश हो जाएगा, सर्वे हो जाएगा, उसके बाद बाबा विश्वनाथ के भव्य दिव्य और नवीनतम विश्वनाथ के मंदिर बनेंगे। क्योंकि धर्म है, धर्म के स्वरूप भगवान नंदीश्वर बैठे हुआ और उन्हीं के सामने सब प्रत्यक्ष करने दिखाया जा रहा है। और बाबा विश्वनाथ जी के आदि विश्वनाथ जो कैद करके रखे हैं उसके प्रकाश होने के लिए, प्रकट होने के लिए समय आ गया है। और इस पवित्र उत्तम महीने पवित्र महीने बाबा विश्वनाथ के भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। अगले साल पर्यंत हम सब उसमें रुद्राभिषेक करेंगे, ऐसे आनंद के साथ हम सब आए हैं। और संघ दुनिया के द्वारा बाबा विश्वनाथ के स्वागत के और कोर्ट के फैसला के हम सब स्वागत कर रहे हैं। किस तरह से संघ की ध्वनि से आज के फैसले का स्वागत कर रहे हैं? ये ध्वनि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गीता के अंतिम श्लोक में वर्णन है, यत्र योगे सर्व कृष्ण यत्र तत्र श्री विजय भूतेर द्रौपदी मदन मदा, जहाँ धर्म है वहाँ विजय श्री प्राप्त होता है। इसलिए संघ के स्वरूप है, संघ बजाकर बाबा विश्वनाथ के फैसला के हम सब स्वागत करते हैं। चुके हैं बाहर से, यहाँ आए श्रद्धालु आस्थावान भी है, इनसे जानते हैं कि किस तरह कोर्ट के फैसले को देख रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? आज हम दिल्ली से आज मानने हाई कोर्ट की फैसला हम सभी सनातनी हिंदू धर्म के कम से कम देश नहीं पूरे विश्व में जो रहस्य है उसमें महजिद के रूप में महजिद चल रहा है। पूरे विश्व के सामने ठीक है। रोशन, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है कि सर्वे जैसे चल रहा था वो वैसे चलेगा, और दोनों पक्षों की तरफ से जो बयान दिए गए हैं वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद केस के सिलसिले में वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को एएसआई सर्वे का ऑर्डर दिया था और उसके खिलाफ मुस्लिम साइड ने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन 24 जुलाई को फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में के सामने बात रखी गई और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है।
फैसला हम लोग के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है और 100 करोड़ हिंदुओं के लिए टर्निंग पॉइंट है, मंदिर समर्थकों के लिए और तो और जो है सभी सनातन धर्मियों के लिए टर्निंग पॉइंट है। यह फैसला आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह मुस्लिम समाज सर्वे को रुकवाने का प्रयास करें, यह कह रहा था कि हो सकता है हमारा जो है इंस्ट्रक्शन गिर जाए सर्वे से, जबकि सर्वे टीम अपना हलफनामा दायर करके यह प्रस्तुत की है कि हम तो उस स्ट्रक्चर को जो है स्वच्छ मतलब इसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं, यह आरोप लगता है। और दूसरी चीज खुदाई का प्रश्न है, पश्चिमी दीवार में जो मलबा गिरा हुआ है उस पर सर्वे टीम यदि खुदाई करेगी तो प्रशासन से माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर खुदाई करेगी, यह उन्होंने वहां पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इस फैसले के बाद से बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि सर्वे होगा और सर्वे का जो फैसला हमारी निचली अदालत का है उसको माना है उन्होंने और सर्वे के बाद जो चीजें सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी ने जो बयान दिया और उस पर लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा विकल्प होता है कि अगर आप उसमें संवाद करें, बैठें, मुस्लिम पक्षकार या मुस्लिम धर्मगुरु आगे आएं और बैठकर वार्ता शुरू करें। कैसे देखते हैं इस फैसले? व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन सर? बढ़िया, यहाँ सबको जैसा ही हो। सर बोल के जाइए सर, बोलना चाहिए सर, कुछ तो बोल दीजिए। हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो मंदिर है और उनकी ये जीत है। भैया मंदिर हो या मस्जिद वो सबका एक ही है, आप उसको मंदिर में देखिए या मस्जिद में देखिए। तो ज्ञानवापी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक बयान भी दिया था, अब चर्चा उसकी भी हो रही है। जरा आपको पहले सुनवाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया था। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान।